नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के अदालतार थाना अंतर्गत हाईवे से लगे पेट्रोल पंप में डकैती होने के पहले ही पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पहले भी लूट और चोरी जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वही गिरोह का सरगना पहले भी डकैती के अपराधों में जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक हाईवे से लगे चाय पान के ठेलों के पास मंगल चौधरी, अभिनय शर्मा, हर्ष केवट, विमल विश्वास और सौरभ सेन आपस में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। मुखबिर द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्काल 2 टीमें बनाकर मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर घेराबंदी कर युवकों को पकड़ा गया, जिसके पास तलवार, बकाए चाकू, ताले और तिजोरी तोड़ने के लिए औजार, एयरगन, पिस्तल एवं बेसबॉल का डंडा मिला है। वहीं पुलिस ने जब युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने डकैती डालने की योजना के संबंध में बताया, जिसके बाद पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में ले लिया और हथियार जब्त करते हुए थाने ले आए। वहीं पकड़े गए बदमाशों ने 2 दिन पहले भी पनागर थाना क्षेत्र में एक शख्स से मोबाइल और नकदी की लूट की थी। बहरहाल सभी बदमाश युवकों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज रात्रि दिनांक 10-11 की दरमियानी रात विश्वसनीय मुखबिर ने जरिए टेलीफोन सूचना दिया कि NH-7 करौंदा नाला बोर्ड के पास जो टपरे हैं वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपस में उन लोगों में चर्चा हो रही है कि करौंदा नाला पेट्रोल पंप वाला की बिक्री अच्छी है, उसके पास खूब पैसा मिलेगा, उसके यहाँ आज डकैती डालनी है और किस व्यक्ति को क्या काम करना है डकैती डालने में, कौन लाइट बंद करेगा, कौन जो डीजल डालने वाला है उसको पकड़ेगा, कौन ऑफिस के अंदर जाएगा अलमारी तोड़ने के लिए। इस प्रकार की चर्चाएं प्रकाश में आई तो इस बात से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया गया। अवगत कराने बाद पश्चात टीम का सब कर्मचारी एकत्र होकर 2 टीम बना के रवाना हुई। मौके पे जाकर छुपते छुपाते दबे पांव जाकर थाना प्रभारी महोदय व उनके स्टाफ ने भी इस बात का बातचीत करके उनको पाया कि इस प्रकार का काम करना है, इतने बजे घुसना है, घेराबंदी कर उनके पकड़ा गया है। उनके पास से चाकू, तलवार, मिर्ची पाउडर, बेसबॉल का डंडा, आला जर्ब, ताला तोड़ने वाला, ये जब्त हुए हैं। कितने आरोपी हैं? 5 आरोपी हैं। ये पूर्व में भी एक आरोपी 395 का आरोपी रह चुका है डकैती का। इसके भी पूर्व को कोई मामले और चारों पर कोई पूर्व मामले? हाँ, पूर्व से 3-4 लोगों के खिलाफ पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। और संभवतः पनागर में भी इन लोगों ने लूट की घटनाएँ की हैं तो वहाँ का स्टाफ भी इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। रहने वाले अपने थाना अधाताल क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड के आसपास के रहने वाले हैं। आपका नाम? मैं थाना अधाताल उपनिरीक्षक भरत सिंह। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे KKR न्यूज और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।